ये अग्निपथ पथ नहीं है, ये विनाश पथ है। नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत। अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर लेफ्ट से जुड़े स्टूडेंट छात्र संगठनों ने साझा एक प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन देशव्यापी आह्वान के तहत किया गया। इसी तरह के प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है, जहां ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं जो अग्निपथ योजना जो है इसको सरकार तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस ले, क्योंकि इनका कहना है ये जो सेना भर्ती योजना है एक तरीके से सेना का ठेकाकरण है, जिसका ये लोग विरोध करते हैं। जबकि दूसरी तरफ सरकार ने इस भर्ती को खोल दिया है और इसकी भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं, एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं। तो अब देखना इनके प्रदर्शन का आगे का रास्ता क्या होगा और ये लोग सरकार से अभी क्या मांग कर रहे हैं, इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर पे ये दिल्ली का प्रोटेस्ट है, लेकिन देश भर में आज युवा स्टूडेंट सड़कों पे उतरे हैं इस डिमांड को लेके कि इस देश में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देना, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने की बात सरकार को करनी चाहिए। ये जो 2 करोड़ नौकरी का हर साल का वादा करके उसके बाद ये अग्निपथ तक लेके आए, ये देश के युवा के साथ धोखा है। 45 करोड़ इंडियंस आजकल काम देखना ही बंद कर दिए गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो छोड़ दो, लोग काम देखना ही बंद कर रहे हैं और उसके ऊपर ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि हमारे देश के जवानों को बिना नौकरी के 4 साल के बाद, इनके इतना ट्रेनिंग के बाद उनको कुछ नौकरी नहीं रहेगा इस देश में। जिस तरीके से बीजेपी ने समाज में डेस्परेशन पैदा किया है, जिस तरीके से आप कोविड काल तो छोड़िए, 2019 का NSSO डेटा कहता था कि 40 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फिलहाल है, तो युवा वो भर्ती तो कर रहा होगा, बिल्कुल कई भर्ती हुई हूँ। उसके बावजूद सवाल तो ये तब भी जायज़ है कि 4 साल बाद जिनकी भर्ती हो भी जाएगी, 4 साल बाद क्या उनका भविष्य सिक्योर है? अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के ऑफिस में चौकीदार रखेंगे, तो कितना उनका भविष्य सिक्योर है वो प्रक्रिया के बाद भी। इन लोगों के दिमाग में है कि किस तरीके से हम लोग युवाओं को चुप कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग कम से कम 4 साल की नौकरी आपको दे रहे हैं, और उसके बाद इन लोगों के प्रवक्ता आके बोल देते हैं कि हम ये तो देश सेवा है, तो देश सेवा वो लोग तो जिंदगी भर करने के लिए तैयार है, आप लोग क्यों 4 साल ही कराना चाहते हो उन लोगों से, और क्यों इसको एक नौकरी की तरह देखा नहीं जाना चाहिए? ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है, देखिए अब युवा छात्र युवा को ये पता चल गया है, जो 2014 में मोदी सरकार के ऊपर विश्वास उन लोगों के ऊपर था, ये अभी सामने आ गया है, ये अग्निपथ पथ नहीं है, ये विनाश पथ है। 44 करोड़ युवा अगर बेरोजगार है देश में, उस समय पर अग्निपथ जैसी स्कीम जो 4 साल में उनको वापस उसी लाचारी के समय में धकेल देगी, तो अग्निपथ जैसी स्कीम का तो विरोध करना ही होगा। और साथ साथ जो वैचारिक पहलू है इसका, कि आप देख रहे हैं जो सावरकर कहा करते थे कि वी नीड टू हिंदुआइज द मिलिट्री एंड मिलिटराइज द हिंदूज, ये अग्निपथ स्कीम उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, कि जो देश में गरीब तबकों से आने वाला युवा है उसको आप आर्म्स ट्रेनिंग करिए, जिस तरीके से बीजेपी आर्मी और तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशंस को लेके जिस तरीके से एक हिंदू नेशनलिस्ट अपना वैचारिक एजेंडा हमेशा बनाए रखती है, उनको उस धड़े से ट्रेन करना और उनको आगे उनको उसी लाचारी में वापस धकेलना कि वो फिर जाकर क्या करें, फिर वो RSS के प्रोपेगेंडा में आकर दंगाई बने। सरकार सीधी सी बात है कि युवाओं और छात्रों से डरती है, नहीं तो चंद मुट्ठी भर छात्रों और युवा जब प्रदर्शन करते हैं, और ये एक जगह ऐसा है जहाँ पे प्रदर्शन करने का इजाजत है, ये अधिकार है हमारा, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए हमें पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, और परमिशन वो देते नहीं है। जैसे आप लोगों को पता ही है, यहाँ से 1 हफ्ते या 8-9 दिन पहले हम लोगों को जैसे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार किया था, ये इवन MP रहीम जो UIFI का प्रेसिडेंट है उनको धकेल के ले गया था वहाँ पर जेल में, तो ये एक तरीके से जे देश के युवा और छात्रों के खिलाफ एक युद्ध ऐलान किया है देश का सरकार, और हम लोग ये चुनौती हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, ये लड़ाई लड़ेंगे, जो जितना दबाव जितना होगा लड़ाई उतना भी तेज होगा, ये हम लोगों का कहना है। छात्रों के अंदर एक गुस्सा था, लगातार कई साल से वो जॉब का इंतजार कर रहे थे और उसमें इस तरीके का स्कीम आना, उनके अंदर एक वो जो था, जो आगजनी हुई, जो भी घटनाएं हुई, वो एक गुस्सा था उनके मन का, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता है कि अपने देश की संपत्ति का नुकसान करे, लेकिन आंदोलन शांत नहीं हुआ है। हाँ, उसका रूप जरूर बदला है लेकिन शांत नहीं हुआ है, हर राज्य में लेवल पे आंदोलन चल रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ऑलरेडी आज हर एक सेक्टर में, एडुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है सरकार।
सरकारें लेकर आ रही हैं ताकि कैपिटलिस्ट क्लास को ही हर मुनाफा हो। तो ऐसे एक स्थिति में आज एक ऑर्गेनाइज्ड, एक यूनाइटेड मूवमेंट को आज बिल्ड करने की ज़रूरत है। रोजगार देने के नाम पे उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखना और आर्मी जैसे सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट पे रखना, दिस इज द पॉलिसी विच वी कॉल यूज एंड थ्रो। देश के युवा के साथ यूज एंड थ्रो का पॉलिसी बीजेपी करेगा, ये किसी तरीके से मंजूर नहीं। जनता के आंदोलनों की, मजदूर आंदोलन, युवा आंदोलन, छात्र आंदोलन की हमेशा से मांग रही है कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सवाल नहीं है, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट सवाल, एम्प्लॉयमेंट अपनी कॉन्शियंस को रखते हुए, एम्प्लॉयमेंट ऐसा कि जहाँ पर आप सर उठा के जी सकें, आपके पास डिग्निटी हो, उस डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट को बीजेपी पूरी तरीके से ख़त्म कर रही है। और ये अग्निपथ स्कीम एक तरफ तो बेरोजगारी का एक नया पहलू है ही, दूसरी तरफ जो बीजेपी का हिंदू राष्ट्र का सपना है उसकी मिलिट्री प्रिपरेशन का भी औजार है। रास्ता एक ही है, किसान आंदोलन हम लोगों को एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है, एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब देश का नौजवान, अभी किसान लड़ रहा है, देश का मजदूर लड़ रहा है, आपकी देश का जो छात्र युवा, ये आप लोगों को फिर से एक टाइम आया है, एक साथ मिलके लड़ाई करना पड़ेगा। और वही लड़ाई एक साथ अगर मिलके लड़ाई करेंगे और बड़े तादाद में लोगों को एक कटक कर लेकर देश के कोने कोने लड़ेंगे तो हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं।